दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। ठंड बढ़ चुकी है, घर पर रहिए, ध्यान रखिए कपड़ों का और अपने आप का। मैं हूं देव सिद्धार्थ, आप मुझे वेस्पा पर देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं आज आपके लिए लेके आया हूं स्वामी अज्ञेय भारती जी का साक्षात्कार, जिसे इंग्लिश भाषा में हम इंटरव्यू भी कहते हैं, ऐसे इंटरव्यू आप कह सकते हैं, साक्षात्कार है। बहुत सारे सच हैं जो उन्होंने ओशो के साथ अपना जीवन बिताया, ओशो के साथ रहे, ओशो की गंगा में नहाए, ओशो की खुशबू के बीच में रहे। वो खुशबू मैं आप तक फैलाऊंगा। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और अज्ञेय भारती जी से बात करते हैं। स्वामी जी, आप और एक ओशो सन्यासी, दोनों से मेरे सवाल हैं क्योंकि आप ओशो सन्यासी भी हैं। आप कोरोना के विषय में क्या सोचते हैं, ये जो विश्व महामारी फैली एक तरीके से, और आध्यात्म के नजरिए से नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या विश्व को फिर से उस परंपरा में आने का समय आ गया है कि जहां पर शेर गाय और बकरी एक ही नदी से साथ में पानी पिए, ये समय आ चुका है क्या? देखिए मित्र, मैं 87 साल का हूं, पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं रही, कभी किसी को वोट नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू जब विदा हुए तो मैं रोया हूं, कविता लिखा हूं व्यक्ति की तरह। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इसके लिए मैंने भाजपा को वोट दिया। भाजपा में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, भाजपा के लोगों से मेरा कोई लगाव नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के मैंने भाषण सुने हैं, मानवीय है, उसो की किताबें भी पढ़ा हुआ है, तो धीरे धीरे चल रहा है और लेकिन उस दिशा में ही कदम बढ़ा रहा है, इसलिए मैंने उसको उप प्रधानमंत्री इसलिए वोट दिया। और उसकी तुलना में राजीव गांधी तो सचमुच में पप्पू ही है, कुछ भी नहीं जानता। उसको तो खुशवंत राय ने कहा था कि मैं अपने ऑफिस में चपरासी रखना नहीं पसंद करूंगा, खुशवंत राय ने कहा था राहुल गांधी को। हाँ, और सही में मूड जैसा है, उल्लू पर भी बातें करता है, पागल पर भी। हमको तो आश्चर्य लगता है कांग्रेस दूसरे लोग जो पुराने लोग कैसे झेलते हैं उसको, उस लौंडे को, क्योंकि फल आदमी का बेटा, क्या बेवकूफी की बात है। तो नरेंद्र मोदी तो विश्व में भारत की पहचान को फिर से बनाया, सारे विश्व में, सारे जहां जाता है, अमेरिका, रूस, जहां भी, तो प्रोटोकॉल तोड़ के सब वहां के प्रेसिडेंट लाल दरी बिछवाता है, हवाई अड्डे को रिसीव करने जाता है, नॉट जोक। इंडिया का बहुत सम्मान बढ़ाया, हम इंडिया में भरोसा नहीं करते राष्ट्र में, विश्व से, लेकिन स्टेप तो वही है। आप जब खड़े हो जाए उसके बाद एक होने की बात कहे तब तो कोई बात जचती है, और भीड़ मांगने के लिए एक बात कहे तो बात अलग है। आप बहादुर की तरह प्रस्ताव रखिए कि सारा विश्व एक हो जाए, भाई एक परिवार है, तो बात जचती है। अब कमजोर है, चल नहीं पा रहे हैं, कहे एक हो जाए तो जचता नहीं बात। तो नरेंद्र मोदी इज राइट पर्सन, आई लव हिम, बट उनकी भी सीमा है, वो राजनीतिक नेता है, मेरी तो कोई सीमा नहीं है। और जहां तक कोरोना महामारी की बात है, किसी ने प्रश्न पूछा 200 महामारी के बारे में, तो उसने कहा था कि महामारी को छोड़ो, महामारी से उतने लोग नहीं मरेंगे जितने महामारी के भय से मरेंगे। अब वो देखा है, हाँ, महामारी के भय से ज्यादा लोग मर रहे हैं, भयभीत हैं, मरते हैं। और ये शुरुआत है, भी बता रहा हूं, ये भूमिका है विश्व विनाश की तरफ, बहुत सी महामारियां आएंगी। वैज्ञानिक कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग विश्व विख्यात फिजिसिस्ट, उसने कहा मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर केवल 100 वर्ष और है, और 600 वर्ष में पृथ्वी आग का गोला रह जाएगी बस। पहला खतरा बताया ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है वातावरण का। दूसरा बताया परमाणु बमों के ढेर, उसने भी एक विश्व सरकार की का सुझाव दिया, देश छोड़ने के पहले मर गया 2-2.5 साल पहले। ओशो उस दिशा में काम करते रहे जिंदगी भर, पृथ्वी एक, हमारे ऋषियों मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम को अनुभव किया कि विश्व एक परिवार है, मैं भी अनुभव करता हूं, लेकिन उसको एक्चुअलाइज करने के लिए, उसको करने की दिशा में ओशो ने काम किया, मेहनत किया अकेले व्यक्ति ने एक विश्व सरकार के लिए। अगर एक विश्व सरकार हो, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स है यूनिवर्सल है, कोई एक दुनिया कंट्री कितना भी धनी हो, कितना भी वैज्ञानिक हो, टैकल नहीं कर सकता उनको, लेकिन सारी दुनिया मिल जाए, 70% तो बजट दुनिया का डिफेंस में जाता है, वो बचेगा, उस दिशा में काम हो सकता है, पृथ्वी की, मनुष्य की उम्र थोड़ा बढ़ाई जा सकती है। हार्ट अटैक होता है, क्या करते हैं, आपको हार्ट में प्रॉब्लम हुई सुना है,
एंजियोप्लास्टी हुआ, परमात्मा ने आपको और उम्र बढ़ा दिया। ऐसे ही पृथ्वी की बीमारियां हैं, अगर उनको ठीक से टैकल किया, सारा विश्व मिलकर ही कर सकता है टैकल, अकेला एक देश कोई नहीं कर सकता। तो मनुष्य की पृथ्वी की उम्र थोड़ा बढ़ाई जा सकती है 100-200 बरस। तो इसलिए राजनेता, अच्छा राजनेता हर आदमी अपना मजा लेता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने रहने, तो वो नहीं हटना चाहता, उसको चिंता नहीं। सबसे खतरनाक मुद्दा आज ये है विश्व के विनाश होने का, इस पर चर्चा नहीं होती। दूसरी टुटपंजीत की जो में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं किसान रैली कर रही, कहीं दूसरे, कहीं चाइना वहां जमीन कैप्चर करना चाह रहा है। अरे बेवकूफ, तुम कैप्चर भी क्या करो, इस आले जो आएगी विपत्ति जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे जलने लगेंगे, बच्चों के सामने उनके बाप जलने लगेंगे, वो हेल्पलेस, कोई कुछ न कर सकेगा, क्या करोगे, क्या हालत होगी, इस दिशा में नहीं सोचते लोग। दोस्तों, नाम मेरा देव सिद्धार्थ है, शायद अब परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज एक सूचना थी जो आपको देनी थी। सूचना ये थी कि YouTube के और आप सभी के सहयोग से अब हमारे चैनल पर आपको एक बटन और देखने मिलेगा। पहले आपको सब्सक्राइब का बटन देखने मिलता था, अब उसके साथ आपको सब्सक्राइब के बिल्कुल बाजू में ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेंबरशिप के ऑप्शन आएंगे। मेंबरशिप है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। आप जो भी मेंबरशिप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपकी मेंबरशिप लेने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और जिसके बाद हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाना चाहेंगे जो हम लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम प्लानिंग कर रही है। हो सकता है आपको आगे जर्नलिज्म से जुड़े हुए वीडियो, न्यूज़ एंकरिंग और ये काफ़ी कुछ मिलेगा, शॉर्ट फिल्म्स मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो हमें काफ़ी सहयोग होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक में शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।